बिस्मिल्लाह रहमान रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स नोट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एलिजाबेथन ड्रामा और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, और उसमें जो उनके जो राइटर्स थे उसको हमने डिस्कस किया था और उनके ड्रामास को। आज हम डिस्कस करेंगे एलिजाबेथन पोएट्री। तो चलो स्टार्ट करते हैं। Elizabethan poetry. Elizabethan poetry most valued form literature with music lyric. उसके बाद है कि lyric poetry gives expression to the poet's own thoughts and feelings, and for this reason we tend to picture the lyric poet as a rather dreamy, unpractical person with his thoughts turned inwards. कि जो पोइट है वो अपनी थॉट्स और जो फीलिंग्स हैं उनको एक लिरिक पोइट्री में अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है लिरिक पोइट्री के स्टाइल में। और उसके साथ साथ ये हमारे लिए ज़रूरी नहीं कि जो उसकी थॉट्स हैं, जो उसकी फीलिंग्स हैं, जो उसने अपनी बयान की हैं, वो हमें हमें अपने जो प्रैक्टिकल लाइफ है, जो लाइफ हम गुजारते हैं उसमें हमें वो चीज़ें नज़र आएँ, ये उसके ड्राइंग या अनप्रैक्टिकल चीज़ें भी हो सकती हैं। उसके बाद है कि इस इरा के जो मेन थीम्स रहे हैं वो है, उनमें एक ट्रेजेडी है, सेकंड है एलिजी, पेस्ट्रल है, और उसके बाद सोनेट है। सोनेट क्या है, उस टाइम की मेन फॉर्म्स ऑफ पोइट्री है। नेक्स्ट जो इस इरा के राइटर्स हैं या पोइट्स हैं वो हैं मेन अर्ल ऑफ सरे एंड सर थॉमस विट हैं। इनको कहा जाता है कि फादर्स ऑफ इंग्लिश सोनेट। इन्होंने क्या किया, ट्रांसलेटेड पेट्रार्कन सोनेट के, इन्होंने ट्रांसलेट किया पेट्रार्कन सोनेट को एंड मॉडल इंग्लिश सोनेट ऑन फ्रेंच एंड इटालियन स्टाइल, कि उन्होंने इंग्लिश जो सोनेट है उसको मॉडल किया फ्रेंच और इटालियन स्टाइल को सामने रखा। लेकिन एक चेंज जो उन्होंने किया वो क्या था कि राइम स्कीम में चेंज, और ये एक्सपेरिमेंट इतना कामयाब और शानदार रहा कि बाद में जो आने वाले एलिजाबेथन पोइट्स थे उन्होंने इन्हीं की ही राइम स्कीम को आगे चलाया। और इनमें जो सबसे मेन जो पोइट हैं वो है शेक्सपियर हैं। शेक्सपियर ने अपनी सोनेट उन्हीं स्टाइल और स्ट्रक्चर पर लिखे जिसमें जिस स्टाइल और स्ट्रक्चर पर इन दो लोगों ने काम किया था। अब ये राइम स्कीम क्या थी, राइम स्कीम थी, द राइम स्कीम इज ए बी ए बी ए बी ए बी बी सी डी सी डी ई एफ ई एफ और जी जी, एंड दिस इज कॉल्ड एलिजाबेथन स्कीम। इस वजह से इसको क्या कहा जाता है, एलिजाबेथन स्कीम कहा जाता है, क्योंकि इसी इरा में ही उन्होंने इसमें चेंज की थी। एंड इट्स डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल पेट्रार्कन स्कीम, और ये डिफरेंट है किसे, ओरिजिनल पेट्रार्कन स्कीम से। और नेक्स्ट इसका जो है पॉइंट वो क्या है कि क्रूल बिहेवियर ऑफ द बिलवेड, कि इस टाइम जो मेन थीम रहा है वो है क्रूल बिहेवियर ऑफ द बिलवेड, और एंड लेटर शेक्सपियर आल्सो यूज दिस थीम, और शेक्सपियर ने आगे इसको इस्तेमाल किया। अब क्रूल बिहेवियर क्या था कि इसकी जो अर्ल और सरे और सर थॉमस विट इन दोनों के जो मेन थीम यही था कि जो डोमिनेंट थीम था वो है क्रूल बिहेवियर ऑफ द बिलवेड, यानी कि महबूबा का संग दिलाना अंदाज। अब इसके एग्जांपल हम आज भी देखते हैं, वो ड्रामा है मेरे पास तुम, जिसमें औरत जब अपने ऊंचे स्टेटस वाले मर्द को देखती है तो वो क्या करती है, अपने हस्बैंड को छोड़कर उसी शख्स के पास चली जाती है उसके दौलत देख के। तो उस टाइम भी यही मेन थीम था, डोमिनेंट थीम था कि क्रूल बिहेवियर ऑफ द बिलवेड, जिसको आगे शेक्सपियर ने यूज किया। अब नेक्स्ट क्या है कि थॉमस विट वर्क, थॉमस विट का जो वर्क है दे फ्ली फ्रॉम मी द नरेटर इज इन प्रिजन, उसका जो नरेटर है वो क्या किसमें है, प्रिजन में है। नेक्स्ट है कि विट एंड सरेज वर्क्स आर पब्लिश इन कंपाइलेशन वर्क कॉल्ड सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, उनका जो वर्क कंपाइल किया गया उसको क्या नाम दिया गया, सॉन्ग्स एंड सोनेट्स का। नेक्स्ट जो पोइट है उसका हम जिक्र करते हैं वो है थॉमस सैकविल, और वो पैदा हुए 1536 में और डेथ हुई उनकी 1608 में। ही इज नॉट अ चीयरफुल राइटर बट ही इज सुपीरियर टू सच राइटर्स इन पोइटिक टेक्निक, के वो जो पहले राइटर्स हैं थॉमस विट और सर की तरह उनका जो है चीयरफुल राइटर नहीं थे, लेकिन उनका जो पोइटिक टेक्निक्स हैं वो क्या हैं, इन दोनों से बेहतर हैं, बेस्ट हैं। नेक्स्ट इसका जो पॉइंट है वो है ही रोट मिरर फॉर द मैजिस्ट्रेट्स
and he has given a powerful picture of the underworld where the poet describes his meeting with some famous Englishmen who had been the victims of misfortunes. कि उसने जो लिखी मिरर ऑफ द मजिस्ट्रेट्स उसमें क्या दिखाया, उसने अंडरवर्ल्ड की स्टोरी लिखी, उसको पिक्चराइज किया और उसने डिस्क्राइब किया कि उसने ये दिखाया कि उसने मीटिंग की है किनके साथ, फेमस इंग्लिश मैन के साथ एंड हु हैड बीन द विक्टिम्स ऑफ द मिसफॉर्चून्स, जो कि बदकिस्मती के सताए हुए थे. नेक्स्ट जो है पोइट वह है सर फिलिप सिडनी, जो कि पैदा हुई 1554 में और उनकी डेथ हुई 1586 में. अब उनका क्या है कि ही वाज अ मेनी साइडेड पर्सन एंड वर्सटाइल जीनियस, कि उनके वो मेनी साइडेड पर्सन थे और वर्सटाइल जीनियस थे. वो क्या रहे, सोल्जर भी रहे, कोर्सियर भी रहे और पोइट भी रहे. और जो क्वीन एलिजबेथ इनके बारे में क्या कहती हैं, वो कहती हैं कि क्वीन एलिजबेथ कॉल्ड हिम वन ऑफ द ज्यूवल्स ऑफ हर क्राउन, के वो उनके ताज का क्या है, एक हीरा है या जेवर है. His greatest in poetry is sonnet. उनका जो सबसे greatest work है poetry में वो है sonnet and dominant theme, और ये उनका dominant theme भी है. And his best sonnets entitled Strophel and Stella. अब जो लास्ट पोइट है इस इरा के वो है स्पेंसर, जो कि 1552 में पैदा हुए और 1599 में उनकी डेथ हुई. अब क्या है, स्पेंसर मे बी कॉल्ड द पोइट ऑफ शिवलरी एंड मिडिवियल एलिगरी, कि उनको कहा जाता है पोइट ऑफ शिवलरी एंड मिडिवियल एलिगरी. अब उनको मिडिवियल एलिगरी क्यों कहा जाता है, क्योंकि बिकॉज स्पेंसर फील सिंपथी विद बोथ कैथलिक एंड प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मर एंड ही ट्राई टू रिकनसाइल बिटवीन देम. कि उस टाइम जो जंग चल रही थी चर्च के और प्रोटेस्टिंग के दरमियान, तो वो क्या था कि इन दोनों के हमसे हमदर्दी रखता था और वो चाहता था कि इन दोनों के दरमियान किसी न किसी तरह सुलह हो जाए. तो इस बिना पर इस वजह से उसको मिडिविल एलिग्री कहा जाता है. और इन दोनों के दरमियान सुलह के लिए उसने इस पर्पज के लिए एक बुक भी लिखी, फॉर द पर्पज ही रोट अ ग्रेटेस्ट पोएटिक वर्क द फेरी क्वीन. इसी पर्पज के लिए उसने लिखी बुक द फेरी क्वीन. और इसके अलावा इसके जो अदर वर्क है वो है ही रोट पेस्टोरल पोएट्री शेफर्ड्स कैलेंडर, उसने शेफर्ड्स कैलेंडर लिखी 1579 में और आर्टिफिशियल क्लासिकल स्टाइल में लिखी उसने. नेक्स्ट है कि ही सोनेट एम्ब्रॉयडरी रिटन इन पेट्रार्कन मैनर, के उसने ये जो सेकंड वर्क लिखा है उसने पेट्रार्कन मैनर में लिखा. उसके बाद इसको कहा जाता है कि ही आल्सो नोन एज अ पोएट ऑफ ब्यूटी म्यूजिक एंड हार्मनी. इसको कौन सा पोएट कहा जाता है, ब्यूटी पोएट ऑफ ब्यूटी म्यूजिक एंड हार्मनी. तो आज के लिए इतना ही. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. ये तमाम नोट्स जो बनाए गए हैं वो है डॉक्टर बी आर मलिक की बुक अ क्रिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से. और ये तमाम नोट्स जो हैं ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, चाहे वो BSA है, BS इंग्लिश, MA इंग्लिश है या फिर PPSC एग्जाम. ये तमाम नोट्स आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.